तो अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताऊँ वीडियो के स्टार्टिंग में, लास्ट की मेरी जो 10 वीडियोज़ हैं उनमें से करीब 4 या 5 वीडियोज़ मैंने स्पॉन्सर करी है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि स्पॉन्सरशिप लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत स्पॉन्सरशिप लेना वो गलत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है। स्पॉन्सरशिप क्या होती है तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा अगर उन्होंने इस वीडियो पे क्लिक करा है। हम बात करने वाले हैं मेनली स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है, कौन कौन से तरीके होते हैं, मुझे कैसे स्पॉन्सरशिप मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद आपको कितने पैसे बोलने हैं, एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे दूंगा आपको जिससे आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, कितने पैसे बोलने, और कुछ अपने एंड से कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आज तक मैंने सीखी अपने 2 से 3 साल के यूट्यूब करियर में अभी तक स्पॉन्सरशिप को लेकर, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्पॉन्सरशिप में सिंपली ये होता है कि ब्रांड आपको पैसा दे रहा है, ब्रांड या कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है, क्यों, क्योंकि आपको उनका प्रोडक्ट या फिर उनकी सर्विस अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो डाल के प्रमोट करनी है। स्पॉन्सरशिप 3 टाइप की होती है। सबसे पहली आपने सिंपली सुना होगा पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, पेड स्पॉन्सरशिप जहां पे पैसे देता है ब्रांड एक क्रिएटर को, ठीक है, वीडियो बनाने के इंटीग्रेटेड चाहे डेडिकेटेड। और दूसरी हो गई हमारी प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप या फिर जो भी ब्रांड सर्विस प्रमोट कर रहा है कि हाँ इनको हमारी अपनी ऑडियंस तक बताओ, वो हम आपको भी दे देंगे। जैसे कोई कैमरा आता है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जैसे कई सारे यूट्यूबर्स के पास फोन आता है, मेरे पास आईफोन है, तो कई बार क्या होता है कि फोन ब्रांड फ्री दे देता है, आप इसको बस रिव्यू करो, अपने ओपिनियन बताओ कैसा है प्रोडक्ट कैसा है, कि ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। कई ब्रांड इसमें ज्यादा डिमांड करते हैं कि अच्छा बोलना है इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। कई ब्रांड ऐसे होते हैं कि सिंपली प्रोडक्ट दे दिया, आप अपने ओपिनियन बताओ अपने यूट्यूब चैनल पर कि ये प्रोडक्ट कैसा है, बस प्रोडक्ट आपका। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये रिव्यू करा था माउना का एक माइक्रोफोन है, तो ब्रांड ने मुझे सिंपली बस ये बोला कि आप प्रोडक्ट रखो अपने हिसाब से वीडियो बनाओ, और ब्रांड ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि वीडियो पब्लिश हो रही है, कब हो रही है, क्या हो रही है, बस उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट भेज दिया और इसको रिव्यू कर लेना। और हमारी तीसरी और सबसे लास्ट टाइप की स्पॉन्सरशिप आती है, वो होती है एफिलिएट स्पॉन्सरशिप या फिर रेफरल स्पॉन्सरशिप, ऐसा कुछ समझ लो। इसमें क्या होता है, सिंपली ब्रांड आपको एक लिंक देगा, उसमें कितने आपको या फिर एक एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ना पड़ेगा ब्रांड के, आप जुड़ गए उसके बाद आपको कमीशन रेट बताया जाएगा, आप इतने जितने भी आपके कस्टमर आएंगे आपकी ऑडियंस में से कोई साइन अप करेगा या प्रोडक्ट खरीदेगा आपको उसका इतना कमीशन मिलेगा। जैसे सिंपली अगर मैं बात करूं, मैंने एक वीडियो एडिटिंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया था, करीब मैंने आई थिंक 50,000 कस्टमर्स या 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास भेजे थे, और मेरे को $1,000 से ज्यादा का कमीशन जनरेट हुआ था। और उसके अलावा ब्रांड इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप के पैसे दिए और रेफरल जो एफिलिएट मार्केटिंग के पैसे है वो भी है। तो कई ब्रांड क्या होता है, थर्ड टाइप की जो स्पॉन्सरशिप होती है एफिलिएट स्पॉन्सरशिप, इसमें ब्रांड बोलेंगे आपको कि पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपका एक स्पेशल कोड जनरेट हो जाएगा या तो फिर एक लिंक जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू जितने भी कस्टमर आएंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो ये 3 टाइप की स्पॉन्सरशिप होती है जो ब्रांड मेजरली देता है और जो आज तक मैंने ली है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज के ऊपर कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है, हाउ टू गेट अ यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, वीडियो के लिए आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी। 3 तरीके स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आज तक मैंने यूज करे और ये तरीके काम करते हैं और अभी तक मुझको स्पॉन्सरशिप ला के दे रहे हैं। सबसे पहला तरीका उन लोगों ने स्पेशली जिनके कम सब्सक्राइबर्स है, 1000 ऐसे 500 या फिर 1500 थोड़े कम सब्सक्राइबर्स है, अभी ऑडियंस बेस कम है, उनको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी ये तरीका उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो सबसे पहला तरीका आता है वो हमारा आता है डायरेक्टली रीच आउट टू ब्रांड्स। आपको क्या करना है, ब्रांड को डायरेक्ट रीच करना है, कॉन्टैक्ट करना है, आपको ये बोलना है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उसके बाद ब्रांड को ये बताना है कि कैसे आप उनकी मदद कर सकते हो, उनकी ग्रोथ बढ़ा सकते हो, मतलब और लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, वो कस्टमर उनको मिलेंगे अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, आपको ये बस उनको बताना है समझाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ दिखाऊं, मैंने पहले बहुत सी स्पॉन्सरशिप करी और आज से 1-2 साल पहले जो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलती थी स्टार्टिंग में, इनिशियली जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पर जो भी मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली, कम स्पॉन्सरशिप मिलती थी, ऐसा नहीं था बहुत स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस थे मेरे पास कम थे, लेकिन वो मुझे कहीं बार मिलती थी इस तरीके से जब मैं ब्रांड को रीच करता था। और ऐसा नहीं है सिर्फ बिगिनर्स के लिए, अगर आप थोड़े ज़्यादा मतलब आपके 10,000, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए तब भी आप ब्रांड को रीच करते हो तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेट करेगा और आपको स्पॉन्सरशिप देगा। मैं आपको एक सिंपल सा टूल बताता हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस काम में, ठीक है। आपको ब्रांड के आपको क्या करना है, सिंपली 10 ब्रांड शॉर्टलिस्ट कर लो कि मुझे इस बारे में कॉन्टेंट बनाना है अपना, पहले कॉन्टेंट को प्रायोरिटी दो कि मुझे सोचो आपको रिव्यू करते हो किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल मैं लेंस ले लेता हूँ, ठीक है, ये लेंस ले लेता हूँ, ये कैनन का लेंस है फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा ब्रांड है बहुत कैनन, आपकी छोटी से स्टार्ट करना डिपेंड करता है आपके चैनल पर कितनी ऑडियंस है, ठीक है। कैनन का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कैनन का ये मुझे रिव्यू करना है, ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है मुझे रिव्यू करना है, मुझे ब्रांड को कॉन्टेक्ट करना है कि कैसे मेरे को इसमें स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। मैंने क्या किया, एक वेबसाइट बताता हूँ, hunter.io, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेड नहीं है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वैसे फ्री आप यूज़ कर सकते हो लेकिन लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा किसी भी कंपनी का नाम डालो, मैं डालता हूँ कैनन, ठीक है, canon.co.in, ये इंडिया का है, ठीक है, मैं इसको चूज़ करता हूँ।
अब मुझे क्या होगा, मुझे ब्रांड के सारे ईमेल मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पर ईमेल मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे जो भी ईमेल एड्रेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये ब्रांड के ईमेल एड्रेस है और इनको मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है कि ब्रांड से रीच करने का। अब यहाँ पर अगर देखें ये अनुज गुप्ता, अनुज डॉट गुप्ता, ये पेड है वैसे टूल, लेकिन आपको ईजिली पता चल जाएगा कि क्या नाम है, उपेंद्र कुमार डॉट एट द रेट canon.co.in। तो ये ईजी है पता लगा पाना, आप यहाँ से किसी भी ब्रांड को रीच आउट कर सकते हो, उनका मेल एड्रेस निकाल सकते हो। तो इसके अलावा वैसे सिंपल सा तरीका जो है वो है कि आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे विजिट करो। फॉर एग्जांपल कैनन का हमने देखा, अब हम देखते हैं कि छोटे ब्रांड का देखते हैं, बोया का देखते हैं, ठीक है, बोया का देखते हैं। बोया लिखा मैंने, बोया माइक येरा, बोया ने रिसेंटली मुझे एक प्रोडक्ट भेजा था। इसके ऊपर हम दूसरे नंबर पे आएंगे, जो दूसरी टिप है हमारी वो अब इसके ऊपर आती है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा कॉन्टैक्ट अस, और आपको प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा क्या प्रोडक्ट भेजा था बोया ने मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए। ये इनका मेल एड्रेस आ गया, sales@boyamike.com। तो ये ऐसे करके आप यहाँ से भी इनका मेल एड्रेस निकाल सकते हो। और सिंपली फिर आपको क्या करना है, इनको कॉन्टैक्ट करके इनको समझाना है कि ये आपकी ऑडियंस है, ये आपकी वीडियोज़ है, आपकी क्वालिटी, आपके इतने सब्सक्राइबर्स, ऐसे ऐसे वीडियो बनाओगे, ऐसा प्लान है और ऐसे इंटीग्रेट करने वाले हो, जो भी आपके दिमाग में प्लान है उनको ब्रांड को समझाओ, मेल करो इनको, सिंपल से मेल करोगे, पढ़ेंगे और रिस्पॉन्स देंगे, जैसा हाँ होगा ना होगा जैसा भी होगा रिप्लाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ब्रांड के साथ स्टिक रहना है, आप मल्टीपल ब्रांड्स को कांटेक्ट करो, क्योंकि एक ब्रांड के पास बहुत सारे क्रिएटर्स कांटेक्ट करते होंगे डेफिनेटली, और ब्रांड फिर ब्रांड को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वो अच्छे से चूज़ करेगा। तो आप ऐसा करो कि मल्टीपल ब्रांड्स को रीच करो, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको चांसेस ज़्यादा है कि स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो ये मैंने आपको पहली चीज़ बता दी, डायरेक्टली रीच आउट टू ब्रांड्स, ठीक है, hunter.io बहुत हेल्प करेगा आपकी, डायरेक्टली मेल एड्रेस निकालो और ब्रांड को कॉन्टैक्ट करो, एक ई मेल टेम्पलेट बना के सेम टेम्पलेट आप मल्टीपल ब्रांड्स को भेजो। अब दूसरी टिप जो आती है हमारी, वो आती है साइन अप विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, ये एक ब्रांड को और एक इन्फ्लुएंसर को, एक क्रिएटर को कनेक्ट करवाती है, और इसके बदले ये थोड़ी फीस चार्ज करती है अपनी ब्रांड से, मतलब आपके अमाउंट में से थोड़ा सा कुछ कट ये निकाल देती है ब्रांड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है क्या रूल्स है, क्या कितने चार्ज करते हैं, ठीक है, तो ये होता है, बट ये आपको स्पॉन्सरशिप ला के दे देते हैं। तो मेरे को भी आज तक बहुत सारी स्पॉन्सरशिप जो मिली है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू मिली है। अब मैं कुछ टॉप की जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज है वो मैं आपको बताता हूँ, टॉप 3 बताता हूँ, जिनकी टॉप 2 बताता हूँ जिनके साथ मैंने पर्सनली काम करा है, बाकी ये कुछ मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर ड्रॉप कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो दो जिनके साथ मैंने काम किया, सबसे पहले तो तो ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है इंडिया की, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आई एम एन इन्फ्लुएंसर यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, सिंपल सा तरीका होता है। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, मैंने और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के साथ भी काम किया, फिलहाल के लिए मैं आपको ये दो बता रहा हूँ, और बाकी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर का साइन आ रहा है, आपको यहाँ पे जाके साइन अप करना है और कुछ नहीं, आपके डिटेल्स फिलअप करनी है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स है या फिर मेरे इतने फॉलोअर्स है, ये सब डालना है और आपको स्पॉन्सरशिप के ऑप्शन मिलने लगेंगे, फिर उसके बाद बस आपको चेक करते रहना है। अब दोनों चीज़ें हो गई, अब आती हमारी थर्ड चीज़, ये स्पेशली उनके लिए काम करेगी जिनके थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, जब आपके थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। जो ये तीसरा तरीका है, ये आज के टाइम पे मैं इसको यूज़ करता हूँ स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। अब इस तरीके में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठे रहना है, कंटेंट क्रिएट करना है। अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी या तो फिर ब्रांड डायरेक्टली आपको खुद ही रीच करेगा, आपको सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। वो कहाँ करनी है मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, सब चीज़ें करता हूँ कैसे ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी वीडियोस कंटेंट क्रिएट करते रहो, ब्रांड रिलेटेबल ब्रांड खुद ही आपको रीच करेंगे, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई क्रिएटर ऐसा जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर सके, जिनसे उनकी ग्रोथ और बढ़े, ब्रांड और ज़्यादा सक्सेसफुल हो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, वो खुद ही ढूंढते रहते हैं 24 घंटे। आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है, उसी पे फोकस करोगे और रिलेटेबल वीडियो बनाते रहोगे, जो भी उस नीश में ब्रांड होंगे वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे आपको स्पॉन्सरशिप देने। मेरे साथ भी ऐसे हमेशा होता है, मैं आप यही तरीका यूज़ करता हूँ और मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, ऐसा नहीं आपके पास सिर्फ एक या दो ब्रांड आएंगे, आपके पास बहुत ब्रांड आएंगे, डिपेंड करता है आप कितने ग्रो हो चुके हो। बस आपको एक चीज़ करके रखनी है कि आपको तैयार रहना है कि आप कितने पैसे चार्ज करने वाले हो फॉर द डेडिकेटेड वीडियो एंड फॉर द इंटीग्रेटेड वन, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ये सोच के रखना है कि मेरा मिनिमम बजट क्या होने वाला है, कम से कम मैं इतने में स्पॉन्सरशिप लूँगा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना बोलूँगा, तो ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, ब्रांड नेगोशिएट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा ब्रांड करता है नेगोशिएट, आपको नेगोशिएट करना होगा ब्रांड के साथ। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 बोले, मैं 50,000 चार्ज करूंगा, ठीक है, वो ब्रांड बोल रहा है नहीं मैं 30,000 देंगे, तो आप देखो आप कहां तक जा सकते हो, 40,000 आप बीच में लाके कर सकते हो ब्रांड के साथ, 45,000 कैसा है वो आप पर डिपेंड करता है आप नेगोशिएट कैसे करते हो। इस तरीके में बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्टेंट क्रिएट करना है और तैयार रहना है, जब भी कोई ब्रांड रीच करे आप उसको अपनी डील, जो भी आपके पैकेजेस है वो ब्रांड को बताओ। अभी हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट जो ये दिखाती है कि कितना इन्फ्लुएंसर चार्ज करते हैं,
यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। अभी हम लोग नैनो, अगर जिसका आपका 500 से 5K फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स है तो आप इतने चार्ज कर सकते हो, लेकिन इंडिया के लिए मैं स्पेशली बताऊँ थोड़े से कम कर देना, इसमें 20% 25% कम कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली, सबसे पहली स्पॉन्सरशिप वो मुझे अराउंड 10,000 रुपीज़ या 12,000 ऐसी कुछ मिली थी आई बिलीव, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली, और उस टाइम पे मेरे करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स थे शायद। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा इन्फ्लुएंसर क्या चार्ज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उससे आप इंडिया का भी अपना आइडिया लगा सकते हो। वैसे मैं इसके ऊपर स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए कि आपको कितने चार्ज करने, अपना एक ओवरऑल दिखाऊंगा कि मैंने लाइफ में जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स थे, 10 के सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने कितना चार्ज किया, अब मैं कितना चार्ज करता हूँ। दूसरी वीडियो एक और आपके लिए आएगी स्पेशली कि आपको ब्रांड को कैसे रीच करना है, कैसे ईमेल भेजना है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। ओवरऑल मैंने आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में सारी चीज़ें बता दी, कुछ जो चीज़ें रह गई वो आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा स्पेशली। तो आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।